नहीं है जाने का वो कि कहीं, वैसे भी आज तो संडे भी था तो कहीं ना कहीं दूर भी चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझसे नहीं हो पाया कि मैं कहीं जाऊँ ट्रेवल करूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई चलते हैं होटल में, सो जाती हूँ थोड़ी देर, और मैं सोने जा रही हूँ। जब ट्रेन का टाइम होगा ना तब उठाना, ठीक है, क्योंकि ये स्टेशन से बगल में ही है। लेकिन चाय पिला के तब ले चलना, ठीक है? हाँ, चाय मंगा, जूस वगैरह पिया भी है ना? नहीं अभी नहीं, अभी तो जूस वगैरह पिया है। मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है, प्लान चौपट। सूरत को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है ना धनु, मस्ती किया धनु ने। मेरा रील मेरे पति देव जी देख रहे हैं। कहाँ हटो, क्या बच्चा कर तो लिया, मस्ती कर रहे, कर लिया भाई मस्ती कर रहे। गुदी गुदी कर, अब तो छोड़ दो। अरे बाप, पहले आप ही हंस लो। तैयारी कर रहे हैं अब निकलने का होटल से, और मेरी तबीयत थोड़ी सी आप लोगों को पता है ढीली थी, तो आप लोगों ने बोला था, आप लोगों में से किसी ने बोला था मुझे कि जब भी आपको ऐसा लगे ना लो सा फील हो तो आप नींबू पानी पी लेना। सो पतिदेव जी मंगा रखे हैं मेरे लिए ये नींबू पानी, तो मैं पी लेती हूँ। पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और मैंने ड्रेस चेंज किया था जब मैं रेडी होने गई ना, तो मैंने ड्रेस चेंज किया, एक रेड कलर का ड्रेस लेके आई थी, वो पहनना था मुझे, बट मैं जब पहन के निकली ना तो पतिदेव जी देखे, उन्होंने बोला नहीं नहीं है ना, ट्रैवल के अकॉर्डिंग है ना घूमने के अकॉर्डिंग है, रख दो। फिर मैं और कोई दूसरा नहीं लेके आई, फिर मैंने दोबारा यही वाला पहन लिया कि चलो ठीक है, रात की तो बात है। ट्रेन जो है हमारी थोड़ी लेट हो चुकी है इसलिए हम अभी तक यहाँ पे रुके हुए, वरना निकल चुके होते तो निकलते थोड़ी देर में। ये तो बहुत खट्टा है, चीनी कुछ है, लेकिन जानबूझ के ऐसे कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है ताकि अब जल्दी से दिखा दो, इसीलिए है ना धनु, सच्ची बताऊं। मम्मा वहां से लाइन चला, मैं बताऊंगा आपको। बताओ। नहीं चलो एक और ट्राई करो, नहीं एक बार और ट्राई करो। स्टोन नहीं मैंने कहा, वन टू थ्री। धनु का टूटू वॉच, या यहाँ से कौन सा पहन के चलोगे? एक पहन लो, एक रख दो मम्मा का पर्स में। आ ब्लू मैचिंग, ग्रेट यार, दो पापा पहना दे आपको, हैप्पी दिस स्माइल। इधर आ, इधर आ, इधर। मम्मा धनु ने अपना ये वॉच ना मेरे को बोला था ऐसे वाला चाहिए, मैंने इसलिए ढूंढ के रखा था इनको। अच्छा पापा के साथ भी तो मैचिंग हो गया वॉच। धनु ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, हमारा ही है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। रुको रुको रुको, उसको मैं घुमा दूंगा, रुको बच्चा। आपको तो है ही नहीं, लेकिन बहुत है। सो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं, सुबह तो निकल रहे थे अपने काम के लिए, तो इतना समझ में नहीं आया, हमें लगा था हम काम करके आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब जल्दी फ्री हो गए और फिर इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और अभी निकल के जा रहे, कहीं भी रहो ना तो थोड़ा सा लगाव तो हो ही जाता है, इससे तो अब थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ छोड़ के जा रहे। चलो तो चल भानु, देखिए हमारे धनु जी को, दादी देखो धनु क्या कर रहे हैं, कहाँ छुपी है चुहिया,
चुहिया कहाँ छुपी है, चुहिया कहाँ छुपी है, आपको क्या लगा मनी झुंझ पाएंगी? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। हमारी शॉपिंग कंप्लीट, घूमी कंप्लीट, काम कंप्लीट, लाइट बंद करिए और चलते हैं। आइए धनो, बाय बाय सुनत, बाय बाय गोपाल साहब बोलो। सो गाइज़ यहाँ से हम स्टेशन पहुँचे, स्टेशन के पास ही ना किसी ने कमेंट भी किया होता मेरे रील पे कि वहीं के गणपति बप्पा हैं, तो हाँ जी ये वहीं के हैं। जब मैं गुजरात जा रही थी ना तभी मैंने देखा था, मुझे बहुत मन था कि मैं मिलूँ, प्रार्थना करो यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ ना कि हमारी गाड़ी जो है वो आगे निकल गई इसलिए नहीं मिल पाई। जब उधर से वापस आई ना तो पतिदेव जी बोले कि देखो अभी भी हैं, अभी विसर्जन नहीं हुआ है, आप जाके अपनी मतलब कि जो भी है आप हाथ जोड़ लो वहाँ पे। तो यहाँ जब मैं आई तो बहुत सारी भीड़ थी और हम बिल्कुल ट्रेन के रास्ते में थे, हम निकल रहे थे, तो निकलते निकलते ही मैंने यहाँ पे नमस्ते कर लिया था, हाथ जोड़ लिया था, जिस पे कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किए जो कि जायज़ है, उन्होंने जो कमेंट किया वो सही है। मैं जानबूझ के यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इधर वाला चलो चढ़ गया अभी आता रानू। फाइनली क्या बोला आपने? फाइनली पहुंच गए। बहुत पीछे थे ना, और चलते ही गाड़ी चल गई ट्रेन। धनु कह रहा है इसी में चढ़ जाते ना, उधर लड़की का ट्रेन छूटने वाला था, उन्होंने पकड़ के खींच, ये आ तो गए, यही तो थी कह रहे उनका ट्रेन छूटने वाला था, फिर उन्होंने पकड़ के ऐसे खींच लिया। हेलो बोलो, हेलो अरे खोल दो। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए है ना धनु, बैठ गए ना, और बस अब पहुंच जाएंगे अपने घर दादी के पास है ना। तो क्या हुआ ना, हम बहुत पीछे, देखो गाइज क्या दिखा रहे हो धनु, वॉच। अच्छा बहुत बोलने लग गए हैं धनु है ना, यस बहुत बोलने लग गए हैं। आपके लिए ओ गाइस, इनके लिए कमेंट कर देना, नहीं इमोजी दे देना, इमोजी वाओ, और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस हमारा डिनर आया लेकिन मैंने किया नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही, और रात में सो गई, और रात में मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अभी अभी आप लोगों को आगे ब्लॉग में मेरे फेस पे देखने को मिलेगा। और ये सुबह मैं उठी तो ब्रेकफास्ट रखा हुआ था मैंने, वो ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल भी नहीं छुआ, नहीं खाई, इनको दे दिया कि आप ही जो खाओगे तो खा लो नहीं तो छोड़ दो। और धनु तो खैर खाते ही नहीं है, जो हमारी सीट है उसके बगल में एक अंकल जी हैं और उन्होंने बोला इनसे कि इनकी तबीयत ख़राब है क्या, क्योंकि रात भर ये बहुत ज़्यादा जैसे एक पेशेंट होता है ना कड़ाहता है जो, वैसे आवाज़ आ रही थी इनकी। और फिर मैं जब मैं इन्होंने बोला फिर हाँ थोड़ी तबीयत इनकी ठीक नहीं है, जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरे लिप्स जो है बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। वो होता है ना कि जब फीवर होता है या तबीयत ख़राब होती है तो लिप्स पे कुछ ऐसे इफेक्ट दिखता है, वैसा कुछ हो गया था। पता नहीं मम्मा का तो थोड़ी तबीयत ख़राब था, देखो क्या हो गया, मैं तो सोया ही नहीं, धनु इस पे सोए थे, पापा उस पे सोए थे, मम्मा इस पे सोए थे, अभी आ गए थे पापा, फिर सो गए उधर।
आप नहीं बुलाया था ना कि पापा मेरे पास आके सो जा। टीवी क्या है आपका? टीवी देखा था आपने? टीवी नहीं। आराम से आराम से। नहीं गया? नहीं गया। चलो कोई बेबी है पर बेबी की जैसे ही बैठे हो। दिन में हम गए थे ना, मेरी जैसे तबीयत खराब थी ना, अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने वाली थी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाती इतनी तबीयत खराब होने की। लेकिन काम भी तो जरूरी है ना, बिना काम का तो कुछ नहीं। बाबू मैं ये कह रही हूँ कि मैं जहाँ घूमने गए थे ना गुजरात, वहाँ नहीं जाती अगर मेरी तबीयत खराब थी। नहीं बेटा, जहाँ गए थे ना हम काम के लिए, वहाँ की बात। चिड़ियाघर अभी से सुन लिया ना? रुको बाबू, आपको चल के घुमा देना। झू ले चलूंगा। ठीक है जू होता है, कि होता है? जू। जू होता है। तो आप लोगों को पता है कि काम भी जरूरी है, काम के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? दो, हर किसी को काम करना दो, होता दो है। नहीं बाबू, जो जू होता है वो इंग्लिश में बोलते हैं और जो चिड़ियाघर होता है वो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप खाना और फूड बोलते हो ना, फ्लावर और फूल बोलते हो ना, वैसे। ठीक है, अपने दादी को अब मैं धनवी उसमें थोड़ी ना बेटा आपका, उसका तो पहले ही आ गया था। मम्मी उसका आपके लिए नहीं खोलिए आपके सामने। नहीं धनु, ये दूसरा है, मम्मा ने ऊपर रखवा दिया बाबा से, विकास चाचू लेके गए थे। यही तो है, हमने छुपा के रखा। आओ दिखा दूंगा। नहीं मैं मौसी के बोला, मौसी के चलो ना। इसी में हाँ गया
कि मेरा तो सामान है ये तो वो है आपका। चलो ऊपर दिखाती हूँ फाइनली घर पहुंचे मैं नहा के आई नाश्ता के लिए, 2 बज गए थे और अब जाकर सुकून मिला है। अपना घर अपना ही घर होता है, कहीं भी हम कितने भी अच्छे से रईसी में रहें बट जब हम अपने घर पहुंच जाते हैं ना, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो, हम जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो वो जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता। हम आप ध्यान देना इस बात को कि हम कभी भी कहीं जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है ना कि यार नहीं बस अब घर चले जाए घर चले जाए, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, इंसान को अपना घर जो प्यारा लगता है ना वो कहीं भी नहीं लगता। चाहे 5-स्टार होटल में रह लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, घर के खाने का भी बात अलग होता है। और ऊपर से तो मैं आई तो मुझे आम मिल गया और आम तो मुझे बहुत पसंद है, वो भी इस सीज़न में मिलना बहुत बड़ी बात है। और काली वाली दाल बनी थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, इसलिए थोड़ा सा ले लिया और मैं आम रोटी खा ली, उसके बाद गई आराम करने। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।